वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। हैदराबाद में लेडी वेटनरी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के चारों आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला करने की जरूरत की और पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया। क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए हम आपको सब सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। पुलिस सबूत तलाशने के लिए इन चारों आरोपियों को लेकर गई थी घटनास्थल पर, जहां पर इन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। चारों को लेकर पुलिस गई और पुलिस को डॉक्टर दीक्षा का फोन ढूंढना था, मोबाइल फोन जो इन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया था या छुपा दिया था। इसके अलावा पुलिस को और भी सबूत की तलाश थी, जिसके बिना पर पुलिस अपना केस मजबूत बना पाती, अदालत में रख पाती और इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी यानी कि मौत की सजा दिलवा पाने के लिए अपना केस बनाती। लेकिन इस पुलिस टीम में जो चार अपराधियों को लेकर गई थी, 10 पुलिस वाले, 10 पुलिसकर्मी शामिल थे, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, एक अपराधी के साथ दो पुलिस वालों को जाना पड़ता है, तो 8 ये हो गए, 2 पुलिस वाले और थे। इन्हीं का फायदा इस अपराधियों के गैंग में से 2 अपराधियों ने उठाया। सुबह 6:45 बजे यानी कि 5:45 से 6:15 बजे के बीच एनकाउंटर हुआ, जब एक अपराधी ने, जिसका नाम मोहम्मद आरिफ है, उसने एक पुलिस वाले की बंदूक छीनने की कोशिश की और उसका साथ एक शिवा ने दिया। जब ये दोनों बंदूक छीन रहे थे तो 2 अपराधी भागे। जब ये सफल नहीं हो पाए, बंदूक छीनते हुए एक पुलिस वाला और आया, उसने अपने पुलिस वाले साथी की मदद की, ये दोनों भी भागे और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर इस तरह के खेत, बड़े बड़े खेत NH-24 के पास में थे, ये खेत में पहुंच गए NH-24 से निकलकर, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ के इलाके, इस इलाके को ये अपराधी जानते थे और यहीं पर इन्होंने डॉक्टर दीक्षा के साथ रेप किया था और उसे जलाकर, उसे मार डाला था और उसके बाद जला दिया था। इसलिए पुलिस ने फिर भी इन अपराधियों को रुकने के लिए कहा, सरेंडर करने के लिए कहा, बार बार कहा, लेकिन जब पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि खेतों का फायदा उठाकर ये अपराधी गायब हो सकते हैं, भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, तो पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था। पुलिस ने इन्हें चेतावनी देने के बाद गोली मारी, जब ये रुके नहीं तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और तब जाकर ये चारों अपराधी मारे गए। तो इस तरह से NH-44 से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर इन अपराधियों को मार गिराया गया। इनका अपराध किसी भी क्षमा के योग्य नहीं है, इनका अपराध जघन्य अपराध है, इनका अपराध घिनौना अपराध है और इसकी सजा, इंस्टेंट सजा इन अपराधियों को, इन दोषियों को मिल गई है। हालांकि ये अदालत में जाते, केस चलता, लंबा वक्त इसमें गुजरता, हालांकि फास्ट ट्रैक अदालत में इस केस को चलना था, लेकिन पुलिस के एनकाउंटर के बाद जब ये चारों अपराधी मारे गए हैं तो देश भर में खुशी की एक लहर है, देश में ये संदेश गया और लोग सड़कों पर उतरकर पुलिस को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। हालांकि गम है, दर्द है, तकलीफ है एक बेटी के चले जाने का और उसके साथ इतना जघन्य अपराध होने का, लेकिन खुशी लोगों को ये है कि अगर इस तरह से सजा मिलती है तो ये ही मांग पूरा देश कर रहा था, जो सजा अभी मिली है। तो आइए पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं ये सब कुछ हुआ कैसे। आरोपी नंबर 1 मोहम्मद आरिफ, उम्र 27 साल, एनकाउंटर में ढेर। आरोपी नंबर 2 जोलू शिवा, उम्र 20 साल, एनकाउंटर में ढेर। आरोपी नंबर 3 जोलू नवीन, उम्र 20 साल, एनकाउंटर में ढेर। आरोपी नंबर 4 चिंता कुटा, उम्र 20 साल, एनकाउंटर में ढेर। 10 दिन पहले हैदराबाद से देश को हिला देने वाली हैवानियत की खबर आई थी, आज उसी हैदराबाद से खलबली मचाने वाली खबर आई। लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के चारों आरोपियों ने पुलिस का सुरक्षा चक्र तोड़कर फरार होना चाहा और अंजाम मुठभेड़ में मार गिराने की शक्ल। इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको, हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो 2 पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया, हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये वो जगह है जहाँ वेटनरी डॉक्टर के साथ जलाकर मार डालने का जुर्म हुआ। हैदराबाद पुलिस चारों आरोपियों को लेकर इसी स्पॉट पर आई थी, लेकिन चारों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकना चाहा, पुलिस की गिरफ्त से भागने का दुस्साहस किया और फिर नतीजा वही हुआ जो फरार होने की कोशिश करने वालों के साथ होता आया है।
हमें हमारे पुलिस प्रशासन पर बहुत गर्व हुआ कि उन्होंने इतनी जल्दी से जल्दी इसके बारे में फैसला लिया और अब हमारे निर्भया के हत्यारों को भी जल्दी से जल्दी सजा दे। इतने खुश है कि बता नहीं सकते खुशी। जो भी किया है बहुत सही किया है और जो डिसीजन हुआ है ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि लोगों के अंदर डर नहीं है आज की डेट में। मौकाई मुठभेड़ की तस्वीरों से आप पूरी डिटेल समझ सकते हैं। ये पुलिस की बस है जिसमें चारों आरोपियों को स्पॉट तक लाया गया। ये वो गाड़ी है जिसमें पुलिस लोकेशन तक आई थी। अब पीड़िता के परिवार वालों को लग रहा है कि उन्हें इंसाफ मिल गया। हमारा बच्ची मर के आज 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर उनको इनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको लिए गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार और पुलिस और मैं जो मेरे साथ लोगों को सबको बताई दे देता हूँ। मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता होगा। पुलिस एनकाउंटर की इस खबर पर हैदराबाद खुशी से झूम उठा। हैदराबाद पुलिस की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। जवानों पर फूलों की बारिश हो रही है। कल तक जिस पुलिस की बखिया उधेड़ी जा रही थी उसकी जय जयकार। शीश पांडे हैदराबाद। आज हैदराबाद से जैसे ही एनकाउंटर की खबर आई लोग जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए। हैदराबाद पुलिस की तारीफों का पुल बंद गया, तांता लग गया। कल तक सवाल बरस रहे थे, आज तारीफें होने लगी। एक मुठभेड़ ने हैदराबाद पुलिस को कई तीखे। जिस हैदराबाद पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस को कानो कान खबर तक न लगी। नाकामी पर जिस पुलिस की किरकिरी हो रही थी उसी पुलिस की जमकर तारीफ हो रही। डायलॉग है कि ना सुनवाई ना तारीख ना कोर्ट ना कचहरी, तुरंत न्याय। तो मैं तेलंगाना पुलिस को, हैदराबाद पुलिस को बहुत 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 बधाई दे रहे हैं। भारत में क्या होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर सालों साल लग गए तो कोई मतलब नहीं उस जस्टिस का। इतनी जल्दी जस्टिस मिला इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। हम जश्न मना रहे हैं जो हैदराबाद के रेपिस्ट का एनकाउंटर हुआ है उस लिए हम खुश हैं। चारों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराने की खबर मिलते ही हैदराबाद में खलबली मच गई। मुठभेड़ की जगह लोगों का जमावड़ा जुटने लगा। पुलिस अफसरों पर फूल बरसने लगे। मुठभेड़ के बाद पुलिस अफसरों को दुआएं दी जा रही हैं। उनका मिठाइयां खिलाकर स्वागत हो रहा है। और ये सिर्फ हैदराबाद की ही तस्वीरें नहीं है, देश के कई शहरों में जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं। निर्भया के माता पिता भी कह रहे हैं कि कम से कम इस केस में इंसाफ के लिए इंतजार नहीं करना होगा। आज ये कोर्ट को, सरकार को, दिल्ली पुलिस को, सबको देखना चाहिए कि आज हैदराबाद के पुलिस ने क्या नजीर पेश किया है। तो मेरा अपने न्याय व्यवस्था से, अपने सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी निर्भया के मुजरिमों को फांसी दे और एक समाज में नजीर पेश करें। खुश इसलिए हूं कि हम जिस तकलीफ में गुजर रहे हैं आज भी देख रहा हूं कि हमारी केस को 7 साल हो गए लेकिन वो दरिंदे आधे जिंदा है और हम रोज मरते हैं। तो हम जो तकलीफ झेल रहे हैं कम से कम वो परिवार तो तकलीफ नहीं झेलेगा, उन वकीलों का और उन मुजरिमों का कि अभी जिंदा है। तो ये बहुत अच्छा हुआ, हैदराबाद पुलिस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चारों आरोपी पुलिस रिमांड पर थे। पुलिस अपराध की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में लगी थी लेकिन आरोपियों ने फरार होने का रास्ता चुना और पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। आशीष पांडे, हैदराबाद आज। देश भर में एक खुशी की लहर, गम के बीच, तकलीफ के बीच, क्योंकि दिशा, डॉक्टर दिशा के साथ जो हैवानियत की गई से उससे पूरा देश परेशान था, दुखी था, लेकिन अब खुश कम से कम इस बात के लिए कि इंस्टेंट इंसाफ हुआ। दिशा की बहन से बात की हमारे संवाददाता अरविंद ओझन। दिशा की सिस्टर हमारे साथ हैं, हम सीधे बात करते हैं। आज सुबह सुबह आपको ये न्यूज़ मिली कि जिस आपकी सिस्टर के साथ जिन्होंने हैवानियत की थी उनको पुलिस इनकाउंटर में मार गया, क्या रिएक्शन था जब सुबह आपने? हाँ, जब सुबह हमने ये सुना था हमको तो सोचा भी नहीं है सब कुछ होगा। हमने सोचा था कि कोर्ट ट्रायल्स हो गए 1-2 महीने में, पर जब हमने सुबह देखा था टीवी में ऐसा कुछ आया था और जो भी सीपी का स्टेटमेंट है इसमें विथ रेफरेंस टू हिज स्टेटमेंट जब उन्होंने लेके गए थे अक्यूज्ड को फॉर सीन रिकन्स्ट्रक्शन देयर फॉर द सेल्फ डिफेंस के लिए
वो फायरिंग ओपन किया था, इसमें वो मर गया था। वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया, फिर भी सामा द अदर वे द अक्यूज्ड गॉट पनिश्ड। आपको लगता है कि इंसाफ मिला आपको, मतलब एक जस्टिस मिला आपकी सिस्टर को? हाँ, जस्टिस हमारे सिस्टर को मिला का मतलब हमारे सिस्टर तो कभी नहीं आएगी, पर जस्ट मैं ऐसे देखती हूँ अक्यूज्ड को पनिशमेंट मिला। अक्यूज को पनिशमेंट मिला आपके हिसाब से? अच्छा, आप अगर आप देखें सोशल मीडिया या हैदराबाद में लोग बहुत खुश हैं, पुलिस को अप्रिसिएट कर रहे हैं, ये बहस का विषय हो सकता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं इनकाउंटर करना चाहिए था, तो एक बहस का विषय है। पुलिस लोग लेकिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखें? सेलिब्रेशन तो इसलिए हो रहा है कि इतना जल्दी सम और ददर वे सजा मिला था अक्यूज्ड को, इसलिए सब सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि ऐसे कुछ जल्दी से सजा मिलने से डर लगता है जो भी ऐसे कुछ आगे करने के लिए सोचता है, इसलिए सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। शहना एनसी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शहना जी, ये जो इंस्टेंट इंसाफ देश की महिलाएं, देश की लड़कियां कह रही हैं, और जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानती हूं कि बलात्कार को लेके चार मुद्दे के ऊपर हमें फोकस करना है। एक, समाज के ऊपर जो हम सब जानते हैं विकृत मानसिकता, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म मेजर है। दूसरा है एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो पॉलिटिकल क्लास को दिखाना है, अपने लीडरशिप को दिखाना है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो पुलिस, जहां हम कहते हैं कि कभी कभार वो नई प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग करते हैं। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी। अब हम सब जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन कानून का खौफ कैसे बने? जो निर्भया जैसे केस में आज तक हमने देखा है कि कोई निर्णय नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ लॉ। और आज जो देश भर में महिला हो या पुरुष, क्यों इतने खुश हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि एक गुनहगार को नेचुरल जस्टिस के निमित्त सजा मिला है। मैं नहीं कह रही हूं कि इनकाउंटर इज दी ओनली ऑप्शन, लेकिन कभी कभार नेचुरल जस्टिस की जब बात करते हैं तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैं मानती हूं कि जिस ढंग से पुलिस के साथ इन लोग ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने इस्तेमाल किया अपने गन्स को, इसके ऊपर शायद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहें कि क्यों इस्तेमाल किया, लेकिन हम कहेंगे कि जो एक पुलिस की जान जाती तो आप कोई सवाल या प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते। जो एक बलात्कारी भागने की कोशिश कर रही है, तो पुलिस के पास भी ये हक बनता है कि वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल करें। और मैं मानती हूं कि ये इनकाउंटर से डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के परिवार को जो संतुलन मिला होगा या जो शांति मिली होगी, वो ही बहुत बड़ी बात है। और जब आइंदा कोई भी गुनहगार, कोई भी पर्वर्ट, कोई भी विकृत मानसिकता के व्यक्ति सोचे कि उनको बलात्कार करना है, वो शायद 2-3 नहीं 10 बार सोचेंगे, क्योंकि एनकाउंटर इज अ पॉसिबिलिटी इन अ केस सच इज दिस। शैना जी, और बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो मिली हैं वो दिखा देते, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना के बारे में बताया है वो सुना देते। शमशाबाद एरिया में 27th और 28th की रात में एक वेटरनरी डॉक्टर को किडनैप, सेक्सुअली असॉल्ट करके और मर्डर भी किया गया। अब विक्टिम को बॉडी को लेके यहाँ चटानपली विलेज शादनगर मंडल में आके बर्न किया गया। ये दो केसेस को हम लोग इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया हमारा ACP शादनगर। हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ा इसमें साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, बट इनिशियली क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं था, कौन किया है करके भी मालूम नहीं था, बहुत सेंसेशनल ऑफेंस था। बाद में हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के बाद चार लोगों को मक्तल मंडल नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट से चार लोगों को अरेस्ट किया गया। मोहम्मद अलियास आरिफ, जल्लू शिवा, जल्लू नवीन, चिंतकुंटा चन्नकेशलु, ये लोग सब मक्तल मंडल का नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट का है। इन लोग को हम लोग 30th को अरेस्ट करके चरलापल्ली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके चरलापल्ली जेल को भेजे गए। बाद में हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने के बाद कस्टडी 10 डेज को मिला।
चार तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए, चार और पांच उनको एग्जामिन करते हुए और इंटरोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेलफोन डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए हम लोग ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं, उसको हम लोग वहाँ पे हाई करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया, हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग दो लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे, A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा से चन्नकृष्ण के पास हमारा दो वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा दो ऑफिसर्स भी, एक SI और एक कांस्टेबल्स भी, SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड भी इंजर्ड हुआ। इन लोग दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे, बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए। इस मामले में हम लोग बाद में इस चार पाँच दिन भी हम लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया इनके खिलाफ और इनका DNA प्रोफाइलिंग भी किया, विक्टिम फैमिली का भी किया। और ये लोग भी हमको कुछ शक है कि ये लोग कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना में भी ऐसे ऑफेंस किए गए रहेंगे। बेसिकली ये वुमन बर्न बॉडीज का केसेस, मिसिंग केसेस का, और इसलिए हम लोग उसका भी डाटा कलेक्ट करके इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैं आप लोगों का एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, विक्टिम फैमिली को और विक्टिम को प्लीज़ रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, उनका नाम और उनका पास जाके उनको मत ये तकलीफ देने के लिए मत, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू ट्रबल द फैमिली एंड दी नॉट टू रिवील द नेम ऑफ द विक्टिम। और इस एनकाउंटर पर विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी उनके बयान आए हैं। एक तरफ पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी की मंदिर बन रहे हैं और दूसरी तरफ सीता मैया को जलाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान की अभी असलियत है। ये मैं बताना चाहते हैं, देखिए हैदराबाद में वो आरोपियों को गोली से उड़ा दिया, जो भागने का कोशिश किया गोली से उड़ा दिया हैदराबाद पुलिस ने। और उत्तर प्रदेश के पुलिस और जो अपराधी है उनको छूट दे दिया, उनको जमानत पर छूट दे दिया और उसके चलते उनका मौका मिला। आज एक सांसद यहाँ पर बंगाल से, मैं नाम नहीं ले रही हूँ महोदय, मंदिर का नाम ले रहे थे। एक सांसद ने हैदराबाद और उन्नाव की जघन्य घटनाओं पर अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन मालदा में क्या हुआ उस पर चुप्पी साध ली, पता नहीं है तो जाके पश्चिम बंगाल का अखबार पढ़िए। जिन लोगों ने रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह पंचायत के चुनाव में इस्तेमाल किया, आज जाकर वो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। क्या उन्नाव में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? है। क्या हैदराबाद में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? है। क्या एक लड़की का बलात्कार करके उसको जलाना अमानवीय है? क्या उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अपराधों पर राजनीति करना क्या इससे किसी भी विक्टिम को कोई सहायता मिलेगी? दे रहा है बहुत। नहीं, ये सही नहीं है। हम सब लोगों ने मांग की थी कि इनको डेथ पेनल्टी दिया जाए और डेथ पेनल्टी इनको ज़रूर मिलती, लेकिन वो जो कानून के नीचे करना चाहिए वही करना चाहिए। ये जो इनकाउंटर्स हैं ये बहुत खतरनाक है पूरे देश के लिए। कहाँ ले जा रहे थे कि वो भागने की कोशिश करें? आखिर वो थाने में थे, जेल में थे, कहाँ ले जा सकते थे चारों के चारों? हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहाँ लेकर गए थे लेकिन वो भाग रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया
और मैं समझती हूँ कि जो निर्भय कांड है, यदि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो बहुत पहले उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल सकता था। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में एक जिले की बात नहीं है, रोजाना किसी न किसी जिले में, रोजाना हर जिले में घटनाएं होती हैं। जो एनकाउंटर हुआ पूरे देश में, उसकी वजह से लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं और संतोष जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि जिस तरह से लोगों का पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से भरोसा उठ गया है, तो हम सब लोगों को, पूरे देश को और समाज को मिलके इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा और सभी सरकारों को मिलके इस पे तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। इस एनकाउंटर के बाद डॉक्टर दिशा के पिता से बात की है हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। न्यूज देखने के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं तो खुशी हो गया, उन लोग मर गए करके तो खुशी हो गया, एज ए फादर पूरा हमारा रिलेशन भी खुशी हो गया, पूरा परिवार खुश, परिवार खुशी हो गया, इधर पूरा खालनी वाला खुशी हो गया, पूरा देश भी खुशी हो गया उस बात को सुन के। डेली रिएक्शन हो गया ना, हमारा बच्ची मरने के बाद 10 दिन के अंदर खत्म हो गया, पूरा देश खुशी हो गया। सोच रहा मैं, आपको उम्मीद थी इस तरह से इनकाउंटर होगा, आपको लगा होगा कि जिस तरीके से पिछले जितने भी केसेस हैं वो केसेस में काफ़ी लंबे कोर्ट में चली की तारीख चलती है और तमाम चीज़ें चलती हैं, तो आप जब आज सुबह ये इनकाउंटर हुआ उसके बाद फैमिली के साथ आप रहोगे, तो आपको क्या ये उम्मीद थी कि इस तरह से हो जाएगा? हमारे को फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के जल्दी से जल्दी उनको सजा दें करके गवर्नमेंट में बोला था, मैं वैसे ही सोच रहा था 1-2 महीने लगेगा, फिर हाईकोर्ट जाए तो मुश्किल हो जाएगा करके ऐसा सोच रहा था। अभी सीन ऑफ ऑफेंस में पर ले गए तो उन्होंने उनका हथियार खींच लिया, एक्सचेंज ऑफ पैर में उन लोग मर गए। पूरा हैदराबाद मैं दिल्ली से ही आ रहा था, पूरा हैदराबाद, दिल्ली या पूरा देश, वो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुश भी हैं जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है, और उस इनकाउंटर हुआ उस तरीके से लोग खुश भी हैं, और आपके साथ भी पूरा देश खड़ा रहा, क्या कहेंगे आप? पूरा देश लोगों को धन्यवाद दे दूंगा, मेरा की नहीं कोई भी किसी की बच्ची का ऐसा हो तो पूरा पिक्चर रहना चाहिए, हम भी रहूँगा, ये बात अच्छी बात है, पूरा करके बोल रहा हूँ मैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।